नमस्ते गुड uh, मॉर्निंग और स्वागत है आपका इस वीडियो में तो आज है आपका नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट ट्यूजडे है सो so आज छुट्टी का दिन है गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हॉलीडे है तो आई होप आज आप घर में रहेंगे कुछ अच्छा खाना पीना खाएंगे हैप्पी रहेंगे तो आज का जो न्यूज़ है आज ज़्यादा एक्चुअली उतना न्यूज़ नहीं है बट दैट्स मोर ऑफ अ फॉलो अप तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे एंड आई विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है लॉन्ग टर्म के लिए Uh, यहाँ पे जो फाइनेंशियल सेक्टर है एक्चुअली हमें समझ में आ रहा है गवर्नमेंट जब बोल, बोल रहा है कि रिसेशन नहीं आ रहा है या देर इज एन इंडिकेशन और देर इज अ हवा बनाया जा रहा है ना कि हाँ भाई रिसेशन नहीं आ रहा बट द रिसेशन इज कम नॉट दैट काइंड ऑफ रिसेशन जो आप देख रहे हैं बट देर विल बी अ काइंड ऑफ रिसेशन उसका इम्पेक्ट जो है हमारे देश में पड़ने वाला है और वो क्यों पड़ेगा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूँगा और आप अगर सहमत नहीं होते हैं आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप अगर मेरे साथ एग्री नहीं करते हैं

आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं uh, really so, आपसे वो सपोर्ट अगर मिलता है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को ओके सो पैसेंजर व्हीकल सेल्स इन टू इज वेरी गुड और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि क्यों सेल बढ़ रहा है, बिकॉज इजी लोन्स आपको मिल रहे हैं लोकली है कोविड की वजह से लोगों का जो है का ना कि चलो एक गाड़ी हो जाना चाहिए जो गाड़ी अफोर्ड कर सकते थे जो फॉर एग्जांपल टू व्हीलर अफोर्ड कर सकते हैं वो अभी गाड़ी खरीद रहे हैं जो uh, टू व्हीलर लेना चाहते हैं वो टू व्हीलर ले रहे हैं तो so, इसमें फायदा ये हो जाता है कि ऑब्वियसली द इंश्योरेंस कंपनीज आर गोइंग टू ग्रो जो फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन या जो पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं मार्केटिंग कंपनीज हैं देयर वॉल्यूम इज गोइंग गोइंग टू टू इंक्रीज दे आर मेक मोर मनी फिर जो टायर कंपनी एंसिलरी इंडस्ट्रीज आपको देखना पड़ेगा जैसे मिंडा जो कंपनी है वो उसका ग्रो करेगा देन टायर कंपनीज है उसका ग्रोथ होने वाला है आ, फिर जो स्टार्टअप्स अभी आ रहे हैं गो मेके ऐसे जो कंपनीज हैं वो भी स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू मेक गुड मनी सो समथिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन बट आई रियली फील बैड फॉर हॉन्डा कंपनी बिकॉज दे आर लूजिंग और आई डोंट नो वट दे आर डूइंग वो लोग सब बैठे हुए हैं एंड किया मार्केट पकड़ ले रहा है इवन Uh, जो फ्रेंच कंपनी है सिट्रेन uh, ये सब सारे जो कंपनीज ये मार्केट में आके जो है पकड़ ले रहे हैं सो दैट इज क्वाइट सैड एनी वे दैट इज समथिंग टू बी कंसिडर अबाउट अगर आप uh, इस सेगमेंट uh, में ऑटो uh, सेगमेंट जो है दैट इज फाइन बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट इज गोइंग टू डिक्लाइन एंड इट इज गोइंग टू यू नो मूव टूवर्ड्स ई वी इसके ऊपर मूव करेगा सी एन जी पे मूव करेगा तो वो आप थोड़ा सा आप देख लेना अगर आप इंटरेस्टेड है इस सेगमेंट में थोड़ा सा आप स्टडी कर सकते हैं एंड आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एयरटेल <coughs> so, <laughs> कल जो है मैंने दो एयरटेल का सिम था एस एन एल सो अभी इसके वजह से आप देखोगे इमिडियट बेनिफिट उनको डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि वो जो है अपना रिचार्ज वाला जो है इनक्रीज कर रहे हैं बट स्लोली ओवर दीरियड ऑफ टाइम इफ़ बी एस एन एल इज एबल टू मार्केट इट सेल्फ एंड पुट इट से वेरी गुड कंटेंडर तो आप देखोगे स्लोली एंड ग्रेजुअली अलॉट ऑफ पीपल टू मूव फ्रॉम एयरटेल टू जी एयरटेल जियो वोडाफोन में तो जो है you know, उसका यूजर भी तो इनोड हो रहा है सो एयरटेल वोडाफो जियो से जो है आपका सारे लोग जो है वहाँ पे बी एस एन एल में चले जाने वाले बिकॉज एयरटेल में सॉरी आपका बी एस एन एल में एवरेज रेवन्यू पर यूजर इज अराउंड एटी रुपीज

एम टी एम प्रोविजन बैंक में सीख आर बी आई रिलीफ अगेन तो कल जैसे देखा था आपने की एस बी आई का जो है इट इज फेसिंग एम टी एम डेफिनेटली आप इसको पढ़िएगा कल मैंने इसको बताया था एंड वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड सो प्लीज रीड थ्रो इट बिकॉज द होल बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग थ्रू इट एंड इट माई टर्न इन टू यू नो जो उसका एक्चुअल वैल्यू लॉस होता है इससे मनी लॉस एज सच यहाँ पे नहीं होता है बट द वैल्यू दट यू आर ट्राइंग टू यू नो

गुड और बैड आप जो भी उसको बोलो दैट ये स्टैटिस्टिकल्स का जो स्टैटिस्टिक्स का जो काम है यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है दे कैन नॉट मेक रूल्स लॉज वो लोग नहीं पास कर सकते इट इज जॉब ऑफ दी एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव होता है ना तो जुडिशरी को काम है कि जो लॉ बनाया गया है उसको अपहोल्ड करके रखना उसको इम्प्लीमेंट करना और वहां पे अगर कहीं पे भी डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करना बट इस जगह पे अगर इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा दैट ओके यू नो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपका पॉपुलेशन काउंट होगा उसके उसी हिसाब से जो है आपका माइनॉरिटी स्टेटस डिसाइड किया जाएगा तो इस जगह पे द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू डू इट द सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू डू इट देंट्रल्ट्रल ग्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट सजेशन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट आपका कमेंट कर सकता है बट उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते हैं दैट इज वॉट दे हैव डन देव लाइक हम तो कुछ नहीं कर सकते वी कैनोट जस्ट डिक्लेयर बिकॉज वी डोंट है डेटा वी डोट है वेरी so, uh, 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 था, गुड think that's a और आई थिंक दैट्स इससे क्या होगा कि आपका जो मीडिया uh, में लोगों में वो जागरूकता फैलेगी कि हाँ भाई ऐसा भी होता है क्योंकि हमें हमारे देश में प्रॉब्लम ये हो गया कि द वे दैट मीडिया इज बिंग कंट्रोल्ड एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हमें बहुत कुछ जानने को मिल रहा है पहले हमें जानने को नहीं मिलता था सो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ये जानने को मिल रहा है कि प्रॉब्लम है सो इट इज गुड टू बी अवेयर ऑफ यू नो पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया टॉक अबाउट पॉलिटिक्स बट दिस इज समथिंग विच यू नीड टू लर्न अबाउट थोड़ा सा आपको आपके पास अपडेट रहता है सो इट विल्पफुल टू यू ओके ग्रीन एनर्जी बिजनेस टू सून टर्न बिगेस्ट ग्रोथ इंजन फॉर रिलायंस डेफिनेटली जैसे जियो जो है स्लोली uh, जो uh, हमारे जो मुकेश बाबू हैं उनका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि हमारा जो कंप्लीट डिपेंडेंसी है ऑयल के ऊपर रेदर ऑयल प्रोसेसिंग के ऊपर उसे हम जो है थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं दैट इज वर्ट दे आर डूइंग फ्रॉम लास्ट टेन टू फिफ्टीन ईयर्स सम वर्ट दे आर सक्सेसफुल क्योंकि जो भी बिजनेस में वो जा रहे हैं uh, यहाँ पे उनको भी पता है कि जिस बिजनेस में मैं जाऊँगा That is highly competitive business and वहाँ पे मुझे अगर जीतना है आई नीड टू बी मोनोपोली तो उनका ऑब्जेक्टिव यही था टेलीकॉम अगर घुसता हूँ बिगेस्ट क्लेयर सिमिलरली वीज ट्राइंग टू डू हेयर इज रिटेल सेगमेंट में यानी uh, जो किराने वाले स्टोर है वहां पर भी वही जाने वही करने की कोशिश कर रहे हैं एक

इट्स बेटर टू लर्न फ्राम अदर पीपल्स मिस्टेक अदर पीपल्स मिस्टेक का मतलब क्या होता है अगर हम जियो को देखें जियो के पहले कितने सारे कंपनीज थे रिलायंस कम्युनिकेशन था उनके भाई का कंपनी था एयरटेल है वोडाफोन है एयरसेल था आइडिया था और कितने सारे डाटा डोकोमो था ये सारे कंपनीज थे आज वो है नहीं है जियो सर्वाइव कर रहा है एयरटेल सर्वाइव कर रहा है वी जो है सम हाउ सर्वाइव कर रहा है उन्होंने क्या देखा उन्होंने देखा कि लोगों को क्या चाहिए फ्यूचर कैसा है फ्यूचर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएगा स्मार्टफोन के ऊपर नेट के ऊपर चलेगा दैट्स ही डिड नॉट इवन बॉर् अबाउट इन्वेस्टिंग इन थ्री जी ही इन्वेस्टेड इन फोर जी एंड ही ब्रॉट अरोंग द फोर जी रेवल्यूशन सिमिलरली उनका जो रिटेल में आप अगर उनका प्लान देखते हैं रिटेल में प्लान क्या है ही नोज दैट अगर मुझे रिटेल में सर्वाइव करना है रिटेल में जिंदा रहना है और रिटेल में मुझे अगर ग्रो करना है मुझे हब एंड स्पोक मॉडल में काम करना पड़ेगा स्पोक मॉडल का मतलब मेरा खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना पड़ेगा मेरे खुद का प्रोडक्ट हो सकता है नहीं भी हो सकता है मेरे खुद का वेयर हाउस होना पड़ेगा मेरा खुद का लॉजिस्टिक होना पड़ेगा मेरा खुद का मार्केटिंग चैनल होना पड़ेगा मेरा खुद का सेल्स चैनल होना पड़ेगा इन्होंने से इंस्पिरेशन लिया है या किन किस कंपनी को इसने स्टडी किया है बिग बाजार बिग बाजार इज यू नो बेंच ज बिन सेट इन इंडिया कि आप बिग बॉक्स स्टोर यानी बिग बाजार जो है बिग बॉक्स स्टोर इसको हम कहते हैं यानी एक स्टोर में जो है वहाँ पे हर तरीके का सामान आपको मिलेगा हर ब्रांड का सामान आपको मिलेगा आप उस स्टोर में जाएंगे आपको जो जो चाहिए अपने रोजमर्रा जिंदगी के लिए वो सारा चीज जो है आपको मिलने वाला है बिग बाजार फ्यूचर रिटेल डूबे ना डूबे कोई फर्क नहीं पड़ता है बट बिग बाजार इट सेल्फ अ रेवोल्यूशन इन इंडिया इन्होंने क्या किया है वो बिग बाजार का कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है अभी भी अगर आप देखोगे बिग बाजार चलता है पेंटेलून्स उन्होंने आदित्य बिरला को बेच दिया था दूसरे जो भी चीजें हैं वो बंद हो चुकी हैं बट स्टिल बिग बाजार अभी भी जो लोग हैं पीपल लव बिग बाजार आई लव बिग बाजार सो इन्होंने क्या किया दे दे हैव हैव अबाउट अबाउट इट इट स्टडीड कि हाउ बिग बाजार बिकेम व्हाट बिग बाजार इज द फ्यूचर कंपनी इज बैंक तो इन्होंने क्या किया इन्होंने देखा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसने कंट्रोल किया था उसका जो वेयर हाउस कंट्रोल किया था लॉजिस्टिक कंट्रोल किया था दो हजार अठारह से ये ट्राई कर रहे हैं बिल्ड कर रहे हैं जियो मार्ट को दैट्स वाई यहाँ पे आप देखोगे थर्टी थाउजेंड करोड़ जो है फिजिकल इ्वेंटी ट्वेंटी इन्वेस्ट कर रहे हैं टू एक्सपैंड स्टोर्स एंड एक्विजेशन ऑफ डिफरेंट कंपनी मिल्क बास्केट को इन्होंने uh, के, के लिए उनको उनसे बेसिकली माल उठाने के लिए मिल्क बास्केट ऑब्वियसली वहाँ पे जो है फ्रेश गुड्स यानी दूध दही शक्कर या जो भी है उसको जो है कंट्रोल uh, करने के लिए सो so, ये सब आपको तो समझना पड़ेगा जब आप शुरू से नहीं शुरू करना चाहते हैं आप कंपनीज को अक्वायर कर सकती है जो उस डोमेन में जो उस इंडस्ट्री में काम कर रही है दैट्स द रीजन रिलायंस रिटेल इज गोइंग टू द चांसेस ऑफ इट सुपर पावर इन द रिटेल सेगमेंट इज मच मच हायर एंड पे फ्लिपकार्ट कहीं पे भी नहीं आएगा नो वन विल बी नियर टू देयर स्केल सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग सिमिलरली ग्रीन एनर्जी बिजनेस में जो है ये आना चाहते हैं हाउ दे आर गोइंग टू डू इट बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है दैट इज वेरी वेरी ह्यूज एंड कोस्ट लाइन में आप कभी भी जाओगे किसी भी बीच में जाओगे हमेशा हवा चलते रहता है एंड देर आर टाइटल कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ विंड सो यू कैन डेफिनेटली हार्वेस दिस एंड सेकेंड थिंग इज इफ़ uh, इंडिया India, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अगर न्यूक्लियर पावर को पी एस यू के माध्यम से अगर कर, बिल्डअप करती है आई थिंक रिलायंस विल भी द बिगेस्ट विनर अडानी विल भी द बिगेस्ट विनर एंड यहाँ पे जो ह्यूमन इंडियन सिटीजनस है दे आर गोइंग टू बी द बिगेस्ट विनर बिकॉज न्यूक्लियर पावर इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ पावर एंड द मोस्ट रिलेबल फॉर्म ऑफ पावर दैट यू कैन यूज़ राइट नाउ इसलिए आप देखोगे यूरोप में भी जो है दे आर स्लोली ग्रेजुअली गोइंग टू मूव टुवर्स न्यूक्लियर पावर यू एस बी एवरी वन इज गोइंग टू मूव टुवर्स न्यूक्लियर पावर बिकॉज यू नीड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरेनियम या जो आपके रेडियक्टिव uh, जो एलिमेंट है या रेडियोटिव मेटल uh, है उसको मेटल नहीं रेडियक्टिव एलिमेंट जो है उसको यूज करना पड़ता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट्स द रीज़न वाई आई थिंक रिलायंस से हमें ये सीखना चाहिए बिकॉज रिलायंस के माध्यम से उसका जो फ्यूचर uh, को सोच के वो जो काम करते हैं वैसा अगर आप सोच के काम करोगे यू विल गो वेरी वेरी फार इन लाइफ एंडली मेक गुड डिसीजन इन लाइक ओके समझ में आया थोड़ा तो सा लंबा था बट चलता है अडानी नेट फॉल से थोड़ा सा इसका रेवेन्यू गिराया बैक ऑन डेटा यू सब्सक्राइब ठीक है गवर्नमेंट ट्राइंग टू लिमिट चाइनीज कंपनी लो कॉस्ट फोन यहाँ पे भी आपको समझना पड़ेगा इस सेगमेंट में वाई इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू यू नो कंट्रोल आप मुझे बताइए मोबाइल फोन होते हैं ना वो कौन खरीदता है टिपिकली लोअर मिडिल क्लास परचेस करता है या जो इनिशियली पहली, पहली पहला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं वो परचेज करता है वो उतना टेक्निकली सैवी नहीं होता है आप फॉर एग्जाम्पल आप ये वीडियो देख रहे हैं आप थोड़ा सा मतलब डेफिनेटली आप इसको जानना चाहते सीखना चाहते समझना चाहते थोड़ा आपके पास दिमाग है बोल के आप ये वीडियो देखते हो आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो यू नो नॉर्मल जो भी हो आपके पास दिमाग है इसलिए आप ये वीडियो देख रहे है मैं किसी को खराब नहीं बोल रहा हूँ आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए प्राइवेसी इंपॉर्टेंट हो सकती है बट जो आदमी एंट्री लेवल स्मार्टफोन खरीदता है उसको प्राइवेसी का मतलब ही नहीं पता है वो मोबाइल में जो है सब कुछ देखता है टी वी देखता है यूट्यूब देखता है अश्लील चीजें भी देखता है सब कुछ देखता है तो प्रॉब्लम इसलिए हो जाता है कि जब आप लो कॉस्ट और इसकी जो जनसंख्या है दिस इज वन ऑफ द रीजन एन रीजन बहुत अलग रीजन भी होता है बट ऑब्वियसली uh, पैसा तो जा ही रहा है हमारे देश से फॉरेस्ट रिजर्व डिप्लीट uh, हो रहा है बट चाइनीज <coughs> को क्यों टारगेट कर रहा द मेन रीजन इज प्राइवेसी बोल के जैसे मैंने कहा कि कोई कंसर्न नहीं होता एंड यू कैन ईजिली मॉनिटर दिस पीपल एंड वट एवर दट बी डूइंग यू कैन मॉनिटर दम इजिली एंड ऑब्वियसली यू कैन टर्न दम योर स्पाई एंड डेटा कलेक्शन अप कर पाओगे बहुत कुछ आप कर सकते हो एंड दैट एक्चुअली हैपन्स सो इज सो दैट्स वन ऑफ द रीजन वाई दैट डेफिनेटली मेड इन इंडिया तो आपको करना ही पड़ेगा एंड इंडियन कंपनीज को यहाँ पे स्टेप इन करना चाहिए माइक्रोमैक्स को स्टेप इन करना चाहिए सो दैट्स अबाउट इट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट so the next very important news is equity mutual fund slow uh, flows low in this july despite rally so rally aapko dekhne ko mila tha but equity fund sees what 42 percent low in in flows matlab मतलब jo investment hai 42 percent kam hua hai यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है क्या reason है debt schemes में जो है ज्यादा inflows देखने को मिल रहा है okay. स्मॉल कैप इक्विटी फंड में जो है हाईएस्ट इनफ्लो हमें फ्लेक्सी कैप मेन मुझे यहाँ पे मेरा जो इंटरेस्ट रहता है वो देखना पड़ता है कि एस आई पी फ्लोज थ्रो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ट्वेल्व टू ट्वेल्व थाउजेंड करोड़ एज अगेंस्ट ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड करोड़ ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है थोड़ा सा डिप हो रहा है उसमें

रिटर्न uh, आएगा दैट विल भी बैटर दैन फिक्सड डिपॉजिट एंड बैंक डिपॉजिट राइट तो अगर आप देख रहे हो कि इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लोग निकाल कर लेके जा रहे हैं एंड इस यहाँ पे जो फंड है एसेट अंडर मैनेजमेंट वो अगर रिड्यूस हो रहा है दैट इज एन अलार्मिंग साइन और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि एस आई पी प्राइमरी एस आई पी कौन करता है जो टिपिकली एम्प्लॉयड बंदा है मिडिल क्लास बंदा है जो एक्चुअली आम जनता है सिंपल बात है तो उसको उतना डेट स्कीम आपको पता है डेट स्कीम क्या होता है स्मॉल मिड कैप क्या होता है स्मॉल कैप इक्विटी फंड क्या होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है अगर आपको पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर अगर आपको नहीं पता है, अगर आप जाना चाहते हैं तो मुझे बताइए आई मेकिंग अ वीडियो ऑन इट व्हिच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड सो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि लोगों के पास जब पैसा होगा तभी वो म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं कि हाँ मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं डालूंगा अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं से पैसा डालूंगा सो इट शोज दैट म्यूचुअल फंड में आप देखोगे कि जब भी आप देखोगे म्यूचुअल फंड में पैसा कम हो रहा है बैंक्स में जो है जो पैसा डिपॉजिट करने का जो अमाउंट है वो कम हो रहा है इसका मतलब ये होता है कि लोगों के पास एक्चुअली में पैसा कम हो रहा है और लोगों के पास पैसा कम होने से क्या होगा लोगों के पास पैसा कम होने से क्या होगा लोग खर्चा नहीं कर पाएंगे लोग खर्चा नहीं कर पाएंगे तो इकोनॉमी का क्या होगा इकोनॉमी श्रिंक होगा जी हाँ इकोनॉमी श्रिंक होगा दैट मीन्स दीज आर दी छोटे छोटे सिम्टम होते हैं ना ये छोटे छोटे सिम्टम्स है जो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा जो आपको समझना पड़ेगा ये मंथ बाई मंथ चेंज होता रहता है दैट्स परफेक्टली फाइन बट अगर आप देख रहे हैं कि देर इज अ यू नो ट्रेंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है जो बैंक से वो बाहर से लोन उठा रही है आपका बॉन्ड से पैसा उठा रही है लोन देने के लिए नंबर ऑफ लोन्स द नंबर ऑफ लोन्स इज गोइंग हाई एनपीए ज्यादा हो रहा है दैट मींस दैट पीपल

5.4 so, है? जो ब्लड फैलता है ब्लड जो घूम रहा है ना फ्लो हो रहा है उसी क्या स्टडी को बोलते हैंजी और प्राइमरीली आपको समझना पड़ेगा <coughs> फाइजर ने एक कोविड का वैक्सीन निकाला था जो मतलब हमारे इंडिया में से कोवैक्सिन था और क्या एक था ना कोवैक्सिन कुछ था तो वो हम हम, हम सबको लगा हुआ है यूएस में क्या था फाइजर का का जो आपका कोविड वैक्सीन है वो लगाया गया था तो अभी क्या प्रॉब्लम ये हो गया था मुझे पता नहीं है बट लॉट ऑफ पीपल आर दैट ये फाइजर का जो वैक्सीन है इसकी वजह से लोग जो है मर रहे हैं

As an investor, right now it's good to buy Pfizer because it will make money. Revival of BPCL sale process to be based uh, review on due course so government be based देगा BPCL को। UP has highest number of active business paying nil GST. तो so, nil GST का मतलब होता है कि आपका जो है income कुछ नहीं है nil GST आप मतलब sale आपको कुछ नहीं हो रहा आप buy कर रहे purchase कर रहे हो तो आपको GST देते नहीं हो so that is something which is not so good. ओके आई टी विच हाइक में डिप टू प्रो प्री कोविड लेवल ऑन रिसेशन पीयर सो डेफिनेटली मैंने आपको पहले बोला था कि आई टी जो है सॉफ्ट बैंक का जो है ट्वेंटी थ्री बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है वाई बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इन कंपनीज एनी काइंडर लॉस मेकिंगज दट द बिगेस्ट रीजन और एक न्यूज था मैं स्कीप आउट कर गया दैट वॉज uh, क्या बोलते है वो प्रधानमंत्री मनरेगा मनरेगा जो है एक सेकेंड कहीं मनरेगा भाई हम्म तो so, मनरेगा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि लोगों के पास काम नहीं है तो काम नहीं होता तो लोग जो है वो मनरेगा में आते हैं मनरेगा इस प्राइमरली सिंपल भाषा में कहो कि मिट्टी काटने का काम है जस्ट टू गिव यू मनी लोगों के हाथ में पैसा देने के लिए ये काम करवाया जाता है हाँ ठीक है सोशल वेलफेयर का काम होता है बट द ऑब्जेक्टिव इज लोगों को ऐसे पैसा नहीं दे उनसे कुछ काम करवा के पर डे पर डे के हिसाब से उनको पैसा देने है। ये आपको समझना पड़ेगा कि मनरेगा में जितना ज्यादा पैसा खर्चा किया जाएगा या ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे मनरेगा का सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है सबसे ज्यादा पेमेंट किया जाता है दो ज्यादा स्टेट्स जहाँ पे इकोनॉमी जो है बहुत ही वीक है वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है बिकॉज बंदा मिट्टी काटने तभी आएगा जब उसके पास कोई काम नहीं है जो खेती का काम करता है अपना काम करता है उसके पास मनरेगा के लिए टाइम नहीं है वो आएगा भी नहीं पर जिसके पास काम नहीं है धंधा नहीं है कुछ नहीं है सो वो क्या करेगा वो मनरेगा में जाता है वहाँ पे मिट्टी काटता है दिन में दो सौ लेके आता है और उसमें भी स्कैम होता है उसमें भी करप्शन होता है सो so, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर गवर्नमेंट जो है अगर पंद्रह हजार करोड़ और अगर इसमें इन्वेस्ट कर रही है या इसमें खर्चा कर रही है दैट मीन्स आपका पैसा मेरा पैसा वहाँ पे जा रहा है और उस स्टेट्स में जा रहे हैं जहाँ की इकोनॉमी जो है उतना स्ट्रांग नहीं है वीक है सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न अबाउट यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मनरेगा क्या होता है क्यों होता है किसके लिए होता है क्या वट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है और जिस स्टेट में सबसे ज्यादा कंजम्पन होता है दोरीनॉमिक कंडीशन इज नॉट दैट गुड तो यह आज का न्यूज़ ज्यादा कुछ न्यूज है नहीं आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल अगर आपको कोई भी क्रिटिसिज है कुछ भी है डेफिनेटली मुझे कमेंट से बताइएगा थैंक यू फॉर वॉिंग दिस वीडियो एल सी टू मोर टेक केयर बाय बाय